गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का नया एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.7, जिसमें क्या है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी और वैसे ही आपको अपनी कॉपी पे करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 40 एंड 87, लीविंग रिमाइंडर्स 4 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। ग्रेटेस्ट नंबर HCF में निकालते हैं या LCM में निकालते हैं, बताइए। HCF में निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो 40 और 87 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। अगर वो डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 4 और 3 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर बच रहा है तो हमारे पास ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम 40 में से 4 को माइनस करेंगे और 87 में से 3 को माइनस करेंगे अपने नंबर को निकालने के लिए। तो यहां मैं करती हूं, आप लिखेंगे द नंबर्स आर 40 एंड 87, 40 एंड 87। रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए आपको, रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए 40 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा जो आएगा 36, और एक और नंबर निकालने के लिए, रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए आपको 87 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा जो आएगा 84। अब आपके पास ये नंबर आ चुके हैं, अब आप क्या निकालेंगे, HCF। तो हम लिखेंगे नाउ वी विल फाइंड HCF ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर्स। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स का, जो नंबर्स हमने निकाले हैं। HCF निकालने के लिए अगर वो रिमाइंडर छोड़ रहा है, रिमाइंडर उसमें आ रहा है, इसका मतलब आप जो नंबर आपको दे रखा है उसमें से उस रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए तो आपका जो नंबर है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम 36 का और 84 का HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। तो 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7। ठीक है, अब आप इनके फैक्टर्स लिख लीजिए। 36 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 3, ऐसे ही 84 के लिख लीजिए 2 × 2 × 3 × 7। कॉमन नंबर्स निकाल लीजिए 3। ठीक है, तो HCF ऑफ 36 एंड 84 इज, HCF क्या आएगा, 2 × 2 × 3, मतलब 2 2 4, 4 3 12 इज 12, मतलब 12 एक हाईएस्ट नंबर है जिससे 36 और 84 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बाकी 12 के ऊपर ऐसा कोई भी हाईएस्ट नंबर नहीं आएगा जिससे 36 और 84 डिवाइड हो पाए। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला है, हाईएस्ट नंबर निकाला है, ग्रेटेस्ट नंबर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 20 मीटर 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये क्या हो गई, रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल। ठीक है, ये हो गई लेंथ। एंड 15 मीटर 60 सेंटीमीटर ब्रॉड, मतलब ये हो गई ब्रेड्थ। इट इज़ टू बी पेव्ड विद स्क्वायर शेप्ड टाइल्स ऑफ द सेम साइज। अब वो जो रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है वहाँ पर स्क्वायर शेप के टाइल्स लगने हैं और हर टाइल एक ही साइज का होगा। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द कोर्टयार्ड। अब आपको क्या निकालना है, आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालने हैं जो उस कोर्टयार्ड में लगेंगे। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर। अब हम कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। अब हम इसकी लेंथ मीटर सेंटीमीटर में है तो हम इस पूरे को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर को कैसे चेंज करेंगे, 20 × 100 प्लस 16, तो ये हो गया 2000 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर,
तो ये हो गया 2016 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे है आपका ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। इसकी भी हम ब्रेड्थ एक ही यूनिट में निकाल लेते हैं, 15 × 100 प्लस 60 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1560 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको लेंथ ऑफ ब्रेड्थ आ गई आपकी, क्या आई है आपकी लेंथ ऑफ ब्रेड्थ, लेंथ इज इक्वल्स टू 2016 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 1560 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इसका HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे टाइल्स के नंबर जानने के लिए। तो HCF निकालते हैं, 2016 को पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 7s are 21, 7 1s are 7। ठीक है, अब हम करेंगे 1560 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी 2 से होगा, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 5s are 10, 3 3 से जाएगा, 3 6s are 18, 3 5s are 15, अब ये जाएगा 5 से, 5 1s are 5, 5 3s are 15, और ये अब जाएगा 13 से डायरेक्टली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका फैक्टर्स इसके लिखेंगे, तो 2016 के क्या फैक्टर्स हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, पहले हम काउंट करते हैं कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके बाद 3 × 3 × 7। ठीक है, अब हम लिखते हैं 1560 का, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 13, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं इसके, 2 कॉमन लेते हैं इसके। ठीक है, तो HCF क्या आएगा, HCF आएगा 2 × 2 × 2 × 3, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालने हैं, ये हमने HCF निकाल लिया, ठीक है, कि टाइल का एरिया इतना हो जाएगा। अब नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे एरिया, जितना भी एरिया है उस रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड का, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड अपॉन, डिवाइड कर देंगे किससे, एरिया ऑफ टाइल से। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड क्या है, एरिया कैसे निकलता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या आएगी, 2016 × 15,060, और जो आपके टाइल थे वो थे स्क्वायर शेप के, ठीक है, तो स्क्वायर का कैसे निकलता है, साइड इनटू साइड, तो हमें साइड क्या पता है, 24, तो इसका एरिया निकलेगा साइड इनटू साइड, 24 × 24, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए, तो 24 को अब यहाँ पे हमने 2016 से किया डिवाइड, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 84 ही पूरा चला जाएगा, ऐसे ही 1560 भी चला जाएगा पूरा आपसे 65 टाइम्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 84 × 65 करेंगे, तो आपका आ जाएगा आंसर 5460। तो ये क्या आ गए आपके, नंबर ऑफ टाइल्स आ गए, क्या आ गए, नंबर ऑफ टाइल्स आ गए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर नंबर 2। चलिए अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर 312, 260 एंड 156 स्टूडेंट्स इन क्लास 6, 7, 8 रेस्पेक्टिवली, मतलब 312 बच्चे हैं क्लास 6 के, 260 बच्चे हैं क्लास 7 के, और 156 बच्चे हैं क्लास 8 के। बसेस आर टू बी हायर्ड टू टेक द स्टूडेंट्स टू द पिकनिक, अब बसेस को हायर किया गया बच्चों को कहाँ ले जाने के लिए, पिकनिक पर ले जाने के लिए। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन अ बस, मतलब आपको निकालना है एक बस में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठ सकते हैं। इफ़ ईच बस टेक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर हर बस इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेगी तो आपको फिर ये भी निकालना है कि कितनी बस आपको चाहिए होगी इन बच्चों के लिए। तो हमें इसमें दो चीज़ें निकालनी हैं, एक तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं और उसके बाद उन बच्चों के लिए कितनी बसें लगेंगी वो निकालना है। तो उसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका HCF निकालना पड़ेगा। पहले बच्चे निकालने हैं तो हम निकालेंगे HCF। तो क्लास 6 के स्टूडेंट थे 312, क्लास 7 के स्टूडेंट थे 260 और क्लास 8 के बच्चे थे 156। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF कैसे निकलेगा, पहले आप 312 का क्या निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 1 2, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9 और ये गया पूरा 13 से। ठीक है, अब आप करिए 260 से, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 2 6 30, सॉरी 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, सॉरी 2 5 10, सॉरी थोड़ा मैंने गलत कर दिया, 2 6 12, 2 5 10, 65 टाइम्स जाएगा। ठीक है, थोड़ा मेरे दिमाग में अलग कैलकुलेशन चालू हो गई थी, 2 6 12, 2 5 10, चलिए अब ये किससे जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम, 5 1 5, 5 3 15 और ये पूरा गया 13 टाइम। अब आप आ जाइए 156 पे, अब आपको किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 156 का। तो वो कैसे होगा, 2 से होगा, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9 और ये हो गया 13। ठीक है, अब आप क्या करिए, इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लीजिए। 312 के क्या आए हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 13। 260 के क्या आए हैं, 2 × 2 × 5 × 13 और यहाँ आपका 156 का क्या आया है बच्चों, 2 × 2 × 3 × 13। अब आप इनके कॉमन फैक्टर्स निकाल लीजिए, HCF निकाल रहे हैं ना अपन, तो HCF क्या आया आपका, 2 × 2 × 13, 2 2 4, 13 4 52। ठीक है, 2 2 4 और 4 × 13, 52। चलिए अब ये हमारे आ गए बच्चे, मतलब इतने बच्चे हर बस में आने वाले हैं। अब हमें बसें कितनी रिक्वायर्ड होंगी, तो बस कैसे हमें पता चलेगा, पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से अगर हम 52 को डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ बसेस कैसे लिखेंगे हम, नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर हम टोटल कर दें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, अपॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमने अभी निकाला है। तो टोटल नंबर कैसे आएगा, 312 प्लस 260 प्लस 156 अपॉन कितना, 52। इन तीनों का प्लस करिए, एडिशन करिए इन तीनों का, 6 7 8, 728/52। ठीक है, तो ये आपका आ गया 728/52, ये इससे चला जाएगा पूरा 14 टाइम्स। तो आपको कितनी बसेस चाहिए, 14 बसेस चाहिए और हर बस में कितने बच्चे आएंगे, 52 बच्चे आएंगे, तभी बच्चे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.7 के वर्ड प्रॉब्लम्स 1 2 3 सॉल्व करके समझाए हैं। आगे हम कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ और कुछ अच्छे अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स और समझते हैं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।